बुक रिव्यू सीरीज में आज हम 16th बुक की बात करेंगे। आज की बुक मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे साइकेट्री का मजमून चूज करने में इस बुक का भी एक हाथ है, वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस। किताब में इन्होंने दो किस्म की इंटेलिजेंस की बात की है, पहली IQ और दूसरी EQ। और दुनिया में कामयाबी के लिए सिर्फ हाई IQ होना जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ हाई EQ होना ही बड़ा जरूरी है, इमोशनल कोशेंट। और इन्होंने अपनी किताब में बात की है कि जिन लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है वो लोग हाई IQ लोगों से भी ज्यादा कामयाब होते हैं। बेसिकली डेनियल गोलमैन ने 7 चीजों के ऊपर जोर दिया है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, कि इंसान को अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस का पता हो। दूसरी चीज है ऑप्टिमिज्म, कि मुस्बत सोच, पॉजिटिव थिंकिंग बड़ी जरूरी चीज है। तीसरी चीज है बैलेंस, कि इंसान की जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के शोबे होते हैं, उसका काम होता है, उसका घर होता है, उसके दोस्त यार होते हैं, उसकी एंटरटेनमेंट होती है, इन सब चीजों के ऊपर एक प्रॉपर ऑप्टिमम बैलेंस। चौथी चीज है एम्पथी, लाइक पुटिंग योरसेल्फ इन द शू ऑफ अदर्स। पांचवी चीज है सोशल स्किल, इसमें लोगों के साथ अच्छे रابطے करना शामिल कर लें, वक्त आने पे लोगों को अच्छा मशवरा दे सकें और बवक्त जरूरत अच्छा मशवरा ले भी सकें। छठी चीज है कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन, ना सिर्फ आपको अपनी बात अच्छे तरीके से कन्वे करना है, बल्कि जब दूसरा आपसे बात कर रहा हो तो ना सिर्फ आप वो बात सुने बल्कि उस बात को समझ भी सकें, उस बात को फील भी कर सकें। और आखिरी चीज है मैनेजिंग द रिलेशनशिप्स, कि लाइक आपको लोगों के साथ दुरुस्त तरीके से बात करनी आए, उनके साथ दुरुस्त तरीके से मामला तय करने आए। दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड बुक। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो बंदा भी मेडिकल वाली फील्ड से है या फिर इसको किताबें पढ़ने का शौक है, वो एक मरतबा ये वाली बुक जरूर पढ़े।